नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा और आपको बहुत सारी गंभीर बीमारी जकड़ सकती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बहुत सारे वायरस से बचाता है। अभी हाल ही के कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसमें बीमारी के लक्षण तक नजर नहीं आ रहे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और अनचाही बीमारी से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं 10 डेली हैबिट्स की जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है, जिसमें सुधार करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लेट नाइट वर्क, यानी देर रात तक काम करना। अगर आप लेट नाइट तक काम करते हैं या लेट नाइट तक टीवी देखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लेट नाइट तक जागने वालों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसका कारण बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का कम हो जाना है, जो जर्म्स और वायरस के खिलाफ लड़ते हैं। कम सोने की वजह से प्रोएक्टिव किटकिंस का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता और डिफरेंट टाइप के किटकिंस का प्रोडक्शन होता है, जो जर्म्स और वायरस से नहीं लड़ सकते। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां लग सकती है। बहुत सारी स्टडी बताती है कि अगर आप पूरी रात अच्छे से सोते हैं तो बॉडी में इम्यून सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम टी सेल्स भी कहते हैं। टी सेल्स एक तरह के इम्यून सेल्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से लड़ने में मदद करते हैं। शोध से पता चला है कि 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप या क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए और सोने और उठने का भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए, यानी रोज आप एक ही समय पर सोए और एक ही समय पर उठे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रात में 10 बजे सोने जाते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं, तो रोजाना आप रात को 10 बजे तक सोने चले जाए और किसी भी हालत में 7 बजे से लेट ना उठे। स्वीट का उपयोग ना करें, यानी मीठे को कहे बाय बाय। दोस्तों, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मीठा खाना आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर सकता है। रिफाइंड व्हाइट शुगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को किल करते हैं, जो वायरस और जर्म से हमें बचाते हैं। शुगर व्हाइट ब्लड सेल्स से विटामिन सी को लेते हैं, जिससे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जो बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होते और हम घातक रोग की चपेट में आ जाते हैं। यदि आपको मीठा इतना ही पसंद है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसमें ऑरेंज, एप्पल, वाटरमेलन, आम इत्यादि शामिल है। इसके अलावा जो भी फ्रूट्स उपलब्ध है आप वो भी खा सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। शराब का सेवन ना करें। स्टडी से साबित हो चुका है कि एक गिलास वाइन कार्डियो सर्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा शराब लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और हाँ, वाइन और शराब में अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे इसके फायदे की बजाय नुकसान भी होने लगते हैं। बहुत ज्यादा शराब के सेवन से हमारी बॉडी अल्कोहल को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा शराब के सेवन के कारण हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। डू नॉट स्मोकिंग, धूम्रपान बिल्कुल ना करें। दोस्तों, तंबाकू हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तंबाकू में 250 तरह के हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जिसमें अमोनिया, आर्सेनिक, निकोटीन, टॉलुइन होते हैं। ह्यूमन बॉडी इन सब को प्रोसेस नहीं कर सकती है, ये हमारे शरीर में विष का काम करते हैं। धीरे धीरे स्मोकिंग हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो तंबाकू और स्मोकिंग को कहे बाय बाय। बहुत अधिक कॉफी का सेवन ना करें। दोस्तों, कॉफी हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन अधिक मात्रा में कॉफी को पीना भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें मौजूद कैफीन की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। कोर्टिसोल के कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कोर्टिसोल की वजह से हमें हार्ट ब्लड शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि कॉफी के फायदे नहीं है। कॉफी पीने से अलर्टनेस आती है जिससे हम अधिक फोकस होकर काम करते हैं, लेकिन एक या दो कप से अधिक प्रतिदिन कॉफी का सेवन ना करें। डू नॉट ईट जंक फूड, जंक फूड को कहे बाय बाय। दोस्तों जंक फूड भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। जंक फूड में ट्रांसफैट और कैलोरीज की मात्रा बहुत अधिक होती है। ट्रांसफैट जो हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, इसमें बहुत ज्यादा शुगर होने के कारण ये मोटापे का कारण बनता है। एक सोडे में करीब 10 टीस्पून तक चीनी होती है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फास्ट फूड में अधिक मात्रा में सोडियम होने के कारण यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जितना हो सके आप जंक फूड से दूर रहे और हेल्दी डाइट ले, ताकि आपको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, भरपूर मात्रा में पानी पिए। दोस्तों हमारे शरीर में 75% पानी होता है। प्रॉपर हाइड्रेशन की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। स्टडी के मुताबिक हमारे शरीर को खाने से अधिक पानी जरूरी है। एक स्वस्थ इंसान को 8-10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। सेडिनेटरी लाइफस्टाइल, सुस्ती को कहे ना। दोस्तों बहुत अधिक सुस्ती भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इस कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें या योग भी कर सकते हैं, जिससे आप वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं और बहुत सारी डिजीज से भी अपने आप को बचा सकते हैं। एक्सरसाइज से स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज करने से शरीर में एंटीबॉडीज और व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिससे बैक्टीरिया नहीं पनप पाते। इसमें कोई शक नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन एक्सरसाइज भी लिमिट में करनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, अत्यधिक व्यायाम ना करें। दोस्तों हमारी बॉडी की एक लिमिट है और एक्सरसाइज भी लिमिट में करनी चाहिए। लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज करने पर हमारी बॉडी सही से काम नहीं करती, हमारा इम्यून सिस्टम भी सही से काम करना बंद कर देता है, जिससे हम फेंट या ब्लैंक हो सकते हैं। रिसर्च से साबित हो चुका है कि 90 मिनट से ज्यादा फुल इंटेंसिटी से की गई एक्सरसाइज से आप बीमार भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अत्यधिक एक्सरसाइज ना करें और प्रॉपर रेस्ट ले। पुअर सोशल रिलेशनशिप, खराब सामाजिक संबंध। दोस्तों लोगों को अवॉइड करना और लोगों से कम मिलना जुलना भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना सकता है। सामाजिक संबंध से हमारे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, जिसका सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से है। जिन लोगों में पुअर रिलेशनशिप होती है या लोगों से कम मिलते जुलते हैं, उनमें नॉर्मल इंसान से 2 गुना चांस होते हैं बीमार होने के, और उनकी समय से पहले मौत भी हो जाती है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो लोगों को अवॉइड ना करें। दोस्तों आपको अच्छा लगे या ना लगे, ह्यूमन बॉडी समाज का हिस्सा बनने के लिए ही बनी है, और लोगों से मिलने जुलने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।